गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 28th of December 2023 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स अभी है 100.81। कल के दिन डॉलर इंडेक्स क्लोज दिया है बिलो 101, फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ इट ड्रॉप्ड बिलो 101। मार्केट इज हॉलीडे ड्रिवन, थिन लिक्विडिटी, सो काफी कुछ मूवमेंट हो सकते हैं। हमें इसको फर्दर देखना है, मींस फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स क्या ये डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे चले जाते हैं या नहीं। इन दिस 99.70 से 100.10 का जो सपोर्ट है, ये फर्स्ट वीक के जनवरी के बाद क्या इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी अभी है आपका 83.8। कल के दिन ड्यू टू मंथ एंड एक्सपायरी काफी कुछ डिमांड देखा गया था, ड्यू टू विच डॉलर रुपी ट्रेडेड हाई ऑफ 83.3334 एरिया, बट रात को डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हो गया है, उसके कारण आपका डॉलर रुपी भी यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट है। मींस इन कंपैरिजन टू डॉलर इंडेक्स इतना ज्यादा सॉफ्ट हुआ नहीं है। द वे डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट हुआ है उस हिसाब से रुपी सॉफ्ट, मींस रुपी स्ट्रेंथन नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज उसके साथ एग्जैक्टली अगर कोरिलेट करते तो डॉलर रुपी वुड हैव बीन बिलो 82 और फर्दर मोर डाउन। लेकिन ये आपका 82, 90, 83 ऑन द लोअर साइड एंड 83.40, 83.45 ऑन द हायर साइड, इसके बीच में ही रेंज बाउंड में मूव कर रहा है सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स। सो जब तक ये रेंज को कन्विंसिंगली ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं करते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर 1.2809, ये जो कंसोलिडेशन हम देख रहे थे इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को कंसोलिडेट करने के बाद कल के दिन ब्रेकआउट किया है एंड अभी और ऊपर की तरफ जाने का तैयारी कर रहा है। सिंस मार्केट इलिक्विड मींस थिन मार्केट ड्यू टू हॉलीडे ड्रिवन मींस मेजर प्लेयर्स आर नॉट इन द मार्केट, सो यहाँ पे ज्यादा कुछ इसका इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे। मींस प्राइस एक्शंस का जो भी होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद ही ग्रेजुअली प्राइस कैसे बिल्डअप करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर अभी है आपका 106.62, ये जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था 106.4050 उसके ऊपर चला गया है एंड अभी इमीडिएट एक रेजिस्टेंस लेवल से आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा आपका 107.70 से 108.00 का, सो वहां पे फिर दोबारा एक नया रेजिस्टेंस मिलने का प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन अभी वही हॉलीडे ड्रिवन मार्केट है, थिन लिक्विडिटी है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेजर मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अवेलेबल, सो फ्लो ड्रिवन होगा, जिस तेजी से ये ऊपर गया उसी तेजी से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ डॉलर सॉफ्ट होने के कारण, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज इन 2024 150 बेसिस पॉइंट्स से 175 बेसिस पॉइंट्स का ये रेट कटिंग का मार्केट में बात चल रहा है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा सॉफ्टनेस देखा गया। यूरो डॉलर अभी काफी टाइम के बाद ये 1.11 के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। अभी जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो है 1.1280 का, उसको किस तेजी से ये ब्रेक आउट करते हैं या वहां पे रेजिस्टेंस लेते हैं ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। यूरो आईएनआर ये भी अभी आपका 92.55 में है, ये भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था, उसको तोड़ फोड़ के ऊपर चला गया है। अभी वही है, मींस एज ऑफ नाउ जस्ट फ्लो ड्रिवन है तो थोड़ा सा केयरफुल होके ट्रेड करना है। डॉलर येन
141.41 ये जो नीचे कंसोलिडेशन करके अभी नीचे जाने का और फर्दर नीचे जाने का तैयारी कर रहा है, और भी फर्दर नीचे का जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो है 137.70 से 138.70 का एक सपोर्ट जोन है। वहां पे आने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सिमिलरली येन आईएनआर पे इमीडिएटली ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 5910 से 5980 का, इसको आने वाले दिनों में किस कैसे ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेकडाउन करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी 1.3198 इसका वीकनेस बरकरार है। आपका पिछले हफ्ते का कैंडल देखोगे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया था, एंड इस हफ्ते में ये पिछले हफ्ते का लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड इन डॉलर कैंडी। ऑसी डॉलर 6854 हमारा जो टारगेट था उसके और भी ऊपर चला गया है, अभी नया रेजिस्टेंस को ट्रेस कर रहा है, ये है आपका पॉइंट 6870 से 6900 का। ये हमें देखना है इस लेवल को कैसे टैकल करते हैं प्राइस एक्शंस, उसके ऊपर फर्दर डिसीजंस करेंगे। डॉलर सीएनएच कल डॉलर इंडेक्स के कारण, बेसिकली कल नहीं आज के सुबह ये काफी अप्रिशिएट किया है सीएनएच, अभी है 7.1160। ये एक सपोर्ट जोन है जहां पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। सो हमें देखना है कि इस कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करते हैं या दोबारा फर्दर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ वापस आते हैं। ब्रेंट 79.61 कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, हमें देखना था कि ये आपका 26 दिसंबर जो ब्रेकआउट किया था ट्रेंड लाइन इंक्लाइन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं रहा। हालांकि हमारा जो टारगेट है 84 का है लेकिन सस्टेन किया नहीं, हमें पुल बैक में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगा, जो मीन्स आप लोगों का जो भी बाइंग स्ट्रेटेजी है पुल बैक वाला उस हिसाब से आप देखने का प्रयास कर सकते हैं। 3.80 ये इमीडिएटली नीचे जो 3.73 से 3.74 का एक सपोर्ट है वहां पे आके उसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो यहां पर भी सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी ये भी आपका अभी है आपका 4.262, ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वहां पे काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद अभी नीचे की तरफ फर्दर सेलिंग दिख रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है 3.81 से 3.92 के बीच में, सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। सो करेंसी प्री मार्केट मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इन ए नटशेल हॉलीडे ड्रिवन थिन लिक्विडिटी मार्केट में डॉलर इंडेक्स और भी ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं एंड अदर करेंसी पेयर्स अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हैं। सो यही ट्रेंड क्या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद कंटिन्यू करेगा ये हमें देखना है। सो अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।